वाइस प्रेसिडेंट ऑफ श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश टेम्पल, और प्रभु जी का बहुत ही शेड्यूल टाइट होता है, तो आज भी हम लोगों ने आपको इसलिए बीच में व्यवधान डाला है कि हालांकि हम लोगों का नित्यानंद प्रभु ने सख्त नियम बनाया था कि 7 बजे से पहले नो डिस्टर्बेंस, लेकिन प्रभु जी चूँकि बहुत ही महाराज की सेवा में ही उपस्थित हैं, महाराज की सेवा के लिए इन्हें जाना पड़ता है, तो इसलिए हम बीच में रोक रहे हैं आपको 6:30। तो हमने प्रभु जी से प्रार्थना की है कि हम देखिए, हम लोग भक्ति तो कर ही रहे हैं सब लोग, लेकिन हम कैसे प्रेम पूर्वक आपस में अच्छी रिलेशंस बना करके कैसे इस भक्ति को और आगे कर सकते हैं। कितना सुंदर परिवार है वैसे तो देखने में हमारा लग रहा है, देखिए ये हमारा रियल फैमिली है एक्चुअली ना, कितने सुंदर सुंदर माताएं जपा कर रही हैं, कितने सुंदर सुंदर प्रभु जी जपा कर रहे हैं, इट्स ए वेरी वेरी वंडरफुल फैमिली। सो लेट अस वेलकम हिज ग्रेस अमोघ प्रभु जी बाय चैंटिंग हरि बोल। यस प्रभु जी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत नारायण श्री हरे कृष्ण 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 हरे राम। जोर से बोलना होगा क्योंकि देयर इज नो माइक, आप माइक का लाल अकेले हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वैसे तो शिष्टाचारी बनता है कि सीनियर डिवोटीज पहले बोले, तो आइडली कनाई प्रिय प्रभु जी को पहले बोलना चाहिए था, लेकिन मेरी ये उदंडता है, दुस्साहस है, बदतमीजी है मेरी कि मैं पहले यहाँ आकर बैठ गया हूँ बोलने के लिए, पर कल युग क्या करें, मेरे जैसे लोगों को झेलना पड़ता है क्योंकि मेरे को अभी जाना पड़ रहा है, सेव यमुना कैंपेन है, तो उसमें वहाँ मुझे 8 बजे पहुँचना है, तो उसके लिए मुझे 7 बजे मंदिर से निकलना पड़ेगा एक्चुअली, तो इसीलिए मुझे यहाँ बस 15 मिनट मैं बोलूँगा फिर मैं जाना पड़ेगा यमुना माई की सेवा में। इसीलिए तो प्रभु जी ने बताया कोऑपरेशन को लेकर के हमें कुछ बोलना है, तो उसके लिए मैं शुरुआत करूँगा। अंदर सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई दे रहा, बिना एक कुर्सी का आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। तो मुझे जो विषय मिला है वो है कोऑपरेशन, यानी कि सहयोग देना। तो सहयोग देने के लिए मैं शुरुआत करूंगा, एक बहुत ही सुंदर रियलाइजेशन है राधानाथ महाराज जी के द्वारा। महाराज कहते हैं कि अगर कोई भक्त सहयोग नहीं देता भक्तों के समाज में, तो ऐसे व्यक्ति को नाम का साधना का फल नहीं मिलेगा। हरि बोल। कितनी सुंदर बात बोली मैंने। अगर कोई भक्त भक्तों के समाज में सहयोग नहीं देता तो होगा क्या, उसको उसके नाम जप का लाभ नहीं मिलेगा, उसकी साधना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर वो कमरे में बैठ के जपा कर रहा है, साधना कर रहा है कि मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा, मैं सहयोग नहीं दूंगा, और लेकिन मेरे को शुद्ध नाम मिलेगा, तो नाम को हमें समझना है। नाम जो है ये कोई निर्जीव वस्तु नहीं है कि मैंने अकेले में उनको रगड़ डाला, उनको पीट डाला और उसने बोला हाँ अभी मैं तेरा सरेंडर हो गया और इस तरह शुद्ध नाम आ गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। नाम प्रभु खुश होते हैं तो वो अपने आप को प्रकट करते हैं, जैसे सूरज को हम टॉर्च लेकर के माची से तीली से या मशाल लेकर के ढूंढ सकते हैं सूरज को कि देखे कहाँ छुपा बैठा है, ये सुबह सुबह जहाँ निकलता है देखे कहाँ छुपा बैठा है, कर सकते हैं ऐसा नहीं, सूरज अपनी इच्छा से निकलता है और फिर वो दिखाई देता है। उसी तरह से नाम प्रभु भी अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं जब वो हमसे बहुत खुश होते हैं, तो बोला वो खुश कब होते हैं, वो खुश तब होते हैं जब हम भक्तों के समाज में सहयोग देते हैं, क्योंकि सहयोग का मतलब है बलिदान की भावना, सहयोग का मतलब है अहंकार को किनारे करना, सहयोग का मतलब है अपने आरामदायक स्थिति को छोड़ना, ये सारा हम करते हैं क्यों, सहयोग देने के लिए। तो इसलिए सहयोग देना जो है, जब इस भावना के साथ जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो इससे भगवान बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और हमारा भक्ति में जितनी हमें प्रगति करनी है उससे 100 गुना अधिक प्रगति करते हैं, क्यों, क्योंकि हम सहयोग देते हैं। एक कुछ समय पहले हमारे प्रद्युम प्रिय बहु ने एक बोर्ड लगाने के लिए बोला था, भक्ति में 10 गुना तेजी से आगे बढ़े मैनेजमेंट ज्वाइन करें। भक्ति में अगर 10 गुना तेजी से आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट ज्वाइन करना चाहिए। कहते हैं तो बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है, ऐसा क्यों, मैनेजमेंट ज्वाइन करने से जो है भक्ति 10 गुना तेजी से बढ़ती है, क्योंकि मैनेजमेंट में अगर आप सहयोग दोगे, सहयोग देना पड़ता है ना, अहंकार किनारे करना पड़ता है, कोई भी आएगा आपकी मिट्टी पलित कर देगा, बीसियां कर देगा आपकी, आपकी पावर पोस्ट पोजिशन की जो है वो रेड़ मार के रख देगा,
लेकिन उसके बाद भी हम विनीत भाव से जब आगे बढ़ते रहते हैं, भक्तों की सेवा करते रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन, अपने आरामदायक स्थिति को छोड़ते हैं, इससे भगवान बहुत खुश होते हैं और इस तरह से भक्ति 10 गुना तेजी से आगे बढ़ता है। तो इस सहयोग की भावना देनी बहुत अधिक जरूरी है। भक्ति सिद्धांत सरयू ठाकुर के समय में उनकी बड़ी इच्छा थी कि ना जीबीसी बने, लेकिन वो जीबीसी बना नहीं पाए, इस वजह से उनके जो शिष्य थे, और इस वजह से क्या हुआ, सारा गौरीमठ विफल हुआ। लेकिन विफल कैसे हुआ, वास्तव में उस वक्त दो गुट बन गए थे, एक था कुंज बिहारी प्रभु का ग्रुप, एक था भक्ति वासुदेव महाराज का ग्रुप। भक्ति वासुदेव महाराज का जो ग्रुप था वो प्रचार में बड़ा सक्रिय था, और कुंज बिहारी प्रभु का जो ग्रुप था वो मैनेजमेंट में बड़ा सक्रिय था। लेकिन जब भक्त अपरिपक्व होते हैं तो होता है क्या है कि मैनेजमेंट वाले प्रचारकों की निंदा कर रहे होते हैं, ये क्या कहानी सुनाने वाले लोग हैं, और क्या असली काम तो हम लोग करते हैं, हम लोगों का ध्यान ना दें, कौन क्या करेगा, कुछ नहीं, सारी गाड़ी हमसे चल रही है। और जो प्रचारक थे वो कहते थे क्या मैनेजमेंट वाले, ये तो हम बाहर से भी किसी से करा सकते हैं, जो प्रचार है वही सार है, इसीलिए प्रचार ही मेन चीज है। तो अपरिपक्व प्रचारक जो है वो मैनेजर्स का की निंदा करते थे, और जो मैनेजर्स थे वो प्रचारकों की निंदा करते थे, और इस प्रकार से सहयोग की भावना न होने के कारण जो गौड़ी मठ था वो टूट गया, बिखर गया, खत्म हो गया, जबकि शुरुआत करने वाले कौन थे, इस डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरयू ठाकुर प्रभुपाद। तो इतने शक्तिशाली आचार्य से कृपा लेने के बावजूद हम आगे क्यों नहीं बढ़े, रीजन बीइंग जो शिष्य थे उन्होंने समर्पण की भावना नहीं दिखाई, क्यों, क्योंकि कोऑपरेशन नहीं दिखाई। और भक्ति सिद्धांत सरयू ठाकुर कहा करते थे, हरि भजन में हमारा सहायक है कौन, ये सहयोग की भावना, ये विनम्रता की भावना और सहिष्णुता, क्या क्या है, सहयोग की भावना, विनीत भावना और सहिष्णुता, ये ही हरि भजन में सहायक है, ये भक्ति सिद्धांत सरयू ठाकुर कहा करते थे। लेकिन क्योंकि शिष्यों ने बात नहीं मानी, इसीलिए इतना बड़ा मूवमेंट है वो आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए प्रभुपाद जी इस बात को जानते हुए उन्होंने कहा अपने भक्तों से, शिष्यों से जाते वक्त, कि अगर आप मेरे से वाकई में प्रेम करते हो तो मेरे जाने के बाद आपको इस संस्था को साथ रखना होगा अपने सहयोग की भावना के साथ। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका यह प्रेम है मेरे प्रति। तो इस कॉल में हम कभी भी अगर सहयोग प्रकट कर रहे हैं तो वास्तव में हम किसके प्रति प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, रूपा जी के प्रति प्रेम व्यक्त कर रहे हैं वास्तव में। तो इसीलिए सहयोग करना किया हमें, अकेले अकेले रह करके किसी ने कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं कर पाया, हमेशा सहयोग की भावना के बाद ही, चाहे भौतिक सफलता हो या आध्यात्मिक सफलता हो, बिना सहयोग की भावना के हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि सहयोग जो देना पड़ता है तो उसमें कभी कभी सहन करना पड़ता है, और जो सहन करता है वही आगे बढ़ता है, जो सहन नहीं करता वो रुक जाता है, वो कहीं ना कहीं पड़ जाता है, वो फंस जाता है, क्योंकि उसका मन कहीं ना कहीं फंस जाता है। लेकिन जब सहयोग की भावना होती है तो मेरे को मन को निकालना पड़ता है एक ऐसी जगह से, क्योंकि जो गलत जगह फंसा हुआ है वो उसको वहां से निकालना होता है, क्योंकि मुझे सहयोग देना है, मुझे साथ देना है भक्तों का। और ये करके क्या होता है, सहयोग देकर के हम भक्ति में आगे बढ़ते भी हैं, साथ ही भक्ति में हमारी रक्षा भी होती है। श्री राधानाथ महाराज इसमें एक व्यास में बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे थे रेडवुड ट्रीज का। एक खास तरह के वृक्ष होते हैं ये बहुत ही ऊंचे वृक्ष होते हैं, तो जितना ऊंचा वृक्ष होना चाहिए उतना उसकी जड़ें भी बहुत गहरी होनी चाहिए, लेकिन इस वृक्ष की जड़ें होती इतनी गहरी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, होती है लेकिन इतनी गहरी नहीं होती। लेकिन कहीं झंझावात भी आते हैं, तूफान भी आते हैं, लेकिन ये पेड़ फिर भी खड़े रहते हैं, ये गिरते नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि पेड़ खड़े रह जाते हैं, ये पेड़ इसलिए खड़े रहते हैं क्योंकि ना अंदर जो जड़ें होती हैं सब एक दूसरे को ऐसे पकड़े हुए होती हैं। तो जितने बड़े बड़े पेड़ हैं उन सब ने क्या कर रखा है, अपने आप को नीचे ऐसे बांध रखा है, एक जड़ ने दूसरे जड़ को पकड़ा हुआ है, दूसरे ने तीसरे को, चौथे को, इस तरह से सारे पेड़ों के झुंड ने, अंदर जड़ों ने, सबने एक दूसरे को ऐसे करके पकड़ा हुआ है। और साथ में क्या होता है कि जब बड़े बड़े पेड़ों ने की जड़ों ने इस तरह से एक दूसरे को पकड़ा होता है तो जो बीच का जो खाली स्थान होता है उसमें जब इस पेड़ के वृक्ष से जब बीज गिरते हैं तो वहां छोटे छोटे पौधे उगते हैं, और ये छोटे छोटे पौधों को रक्षा मिलती है आसपास की सभी जड़ों की, जो शाखाएं आपस में जो हाथ मिला रही होती हैं तो बीच के स्थान में क्या होता है उनको रक्षा मिलती है। तो छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो बड़े बड़े पौधों की या पेड़ों की संरक्षा में रहते हैं, और जो बड़े बड़े हैं वृक्ष वो एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, इससे बड़े बड़े झंझावात आते हैं, तूफान आते हैं, लेकिन इन पेड़ों को कुछ नहीं होता। उसी तरह से भक्तों के समाज में जो सीनियर डिवोटीज हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, सब एक दूसरे को पकड़ करके रखते हैं, अगर कोई फिसल रहा होता है हम उसको पकड़ लेते हैं, और इस तरह से हम सब एक दूसरे को बचा करके रखते हैं। और जो नए नए भक्त हैं उनकी रक्षा होती है सारे वरिष्ठ वैष्णवों के बीच में, कोले
बड़े शोधे शोधे प्यार से रहते हैं, कभी इससे शिक्षा मिलती है, कभी उससे रक्षा मिलती है। इस प्रकार से छोटे छोटे पौधे यानी नए नए डिवोटीज की रक्षा होती है और बड़े जो भक्त हैं उनकी भी रक्षा होती है। क्यों? क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी भावना है? सहयोग की भावना है, एक दूसरे को पकड़े रहने की भावना है। वास्तव में सहयोग की भावना का एक बहुत ही उत्तम उदाहरण जो है वो कृष्ण और सुदामा का है। जब दोनों गुरु की सेवा पूरी करने के लिए जब गए और लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गए, बड़ी तेज आंधी तूफान आ गया तो क्या क्या हुआ था? दोनों ने एक हाथ में लकड़ी का लट्ठा पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। ऐसे ही प्रचार में हम आगे बढ़ते हैं। गुरु ने हमें कहा है प्रचार में आगे बढ़ो, तो प्रचार का कार्य आगे बढ़ेंगे, बढ़ाएंगे, लोड लेंगे हम प्रचार का, लेकिन साथ ही दूसरे का हाथ भी पकड़ के रखेंगे। यानी कि इस तरह सहयोग की भावना और मिशनरी स्पिरिट दोनों साथ साथ चलते हैं तो गुरु की आज्ञा का पालन हो पाता है। वास्तव में अगर ये हाथ छूट जाए फिर सब इतर बितर हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कृष्ण से और सुदामा जी से ये सीखना चाहिए कि सहयोग की भावना अगर रखेंगे तो ही ये मिशन हम पूरा कर पाएंगे। और हम जब साथ साथ रहेंगे तो गुरु हम दोनों को देख लेंगे, गुरु हमको मिल जाएंगे और देखो कृष्ण सुदामा दोनों साथ साथ ही हैं। तो इस प्रकार से ये सहयोग की भावना देना बहुत अधिक आवश्यक है। एक समय एक भक्त थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने 80 के दशक में शुरू में जब महाराज ने संन्यास लिया था गोपाल कृष्ण महाराज ने, तो उनके प्रति जो है उन्होंने उनको एक थप्पड़ मार दिया, कुछ मैनेजमेंट का इश्यू हो गया था। लेकिन उस वक्त श्री गोपाल कृष्ण महाराज ने रिटेलिएट नहीं किया, यानी कि महाराज ने पलट करके नहीं मारा, महाराज ने उसको सहन किया और फिर भी उसी मंदिर में उसी प्रकार से वो सेवा करते रहे। और उन्होंने लेटर लिखा, प्रभुपाद जी फला फला भक्त ने मेरे को थप्पड़ मारा है, इसलिए मैं आज से सेवा छोड़ के जा रहा हूँ, आज से सेंटर में नहीं आऊंगा मैं। ऐसे हम लोग अक्सर कर देते हैं, महाराज ने ऐसा नहीं लिखा, महाराज चुपचाप उसके बाद सहयोग देते हुए आगे बढ़ते रहे। तो ये बात जो है भक्तों ने जा करके बताया श्री प्रभुपाद जी को कि गोपाल कृष्ण प्रभु को किसी भक्त ने फला फला भक्त ने थप्पड़ मारा, लेकिन फिर भी उन्हें उसको सहन किया और सेवा में लगे हुए। तो उस वक्त श्री प्रभुपाद जी ने कहा जो गोपाल कृष्ण है, गोपाल जो है ही इज अ प्योर डिवोटी, वो शुद्ध भक्त है। क्यों? क्योंकि वो सहयोग की भावना है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि हमेशा वैष्णव अपराध से बचता है, इसीलिए वो शुद्ध भक्त है। तो इसलिए अगर हमारे आचार्यों के मूड को देखेंगे तो वास्तव में उसमें सहयोग की भावना है, अगर उसमें शिक्षाओं को देखेंगे तो उसमें सहयोग की भावना है। अगर सहयोग रहेगा तो हम 10,000 साल तक चल पाएंगे। ये क्या चीज है जो 10,000 साल के बाद हमारे हरे कृष्ण आंदोलन को बंद करेगी? ये हमारा सहयोग ना देने की भावना जो है, ये ही 10,000 साल बाद हमारे हरे कृष्ण मूवमेंट को बंद करेगी। तो इसीलिए अभी 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 मैं बुरी खबर नहीं सुनाना चाहता आपको, लेकिन 10,000 साल बाद की बुरी खबर है। अभी जो है अच्छी खबर ये है कि सहयोग की भावना बढ़ रही है भक्तों के अंदर, तो ये बढ़ेगी और बढ़ते 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 आज से 5,000 साल बाद दुनिया के 99% लोग गौड़ीय वैष्णव होंगे। पर कैसे बढ़ेगी? सहयोग की भावना में जब हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार होगा इसी प्रकार से ये सफलता होगी। लेकिन उसके बाद सहयोग की भावना थोड़ी कम होनी शुरू होगी और होते होते अगले 5,000 साल में फिर हम जीरो हो जाएंगे। तो जीरो से 99%, फिर 99% से वापस जीरो। लेकिन सारा खेल किसका है? सहयोग का। अगर सहयोग रहेगा हमारा नाम जब चलेगा, अगर सहयोग रहेगा हमारे चार नियम चलेंगे, हमारा सहयोग रहेगा हमारा प्रचार बढ़ेगा। सब कुछ वास्तव में सहयोग का खेल है। आपस में हम एक साथ हैं, हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो कि अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं है, लेकिन सब मिलकर वो हासिल कर पाएंगे। हम लोग जो हम कभी अलग अलग सोच अलग अलग रहते तो हम कभी हासिल नहीं कर पाते। तो इसीलिए सहयोग की भावना अगर करते हैं हम लोग, हमारे आचार्य बड़े खुश होते हैं, कृष्ण बड़े खुश होते हैं। जैसे प्रचेतस को क्या बता रहे भगवान कि आप सबने एक दूसरे का मैत्री भाव रखते हुए क्योंकि साधना तपस्या की, इससे मैं बहुत खुश हूँ। तो इसीलिए ये सहयोग की भावना रखना बहुत जरूरी है, और ऐसा करेंगे हम वाकई में अपने हृदय के अंदर भक्ति का अनुभव कर पाएंगे। सेक्रीफाइस करना चाहिए। अपने आप में सेल्फ एब्जॉर्ब रहेंगे हम लोग, भक्ति में इतनी अच्छी प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए खुद की रक्षा के लिए, हमारे मिशन की रक्षा करने के लिए और बहुत ही तेजी से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग सहयोग की भावना पे जोर दें। चाहे कितना कष्ट उठाना पड़े लेकिन एक दूसरे के लिए हमेशा उपस्थित रहें, ये बहुत अधिक आवश्यक है। हरे कृष्णा।